ఇంకా గమ్ముగా పుడి మెంబర్స్ ఇచ్చుదాం కమిటీ అమనావు 10 10 రూపాయ కి మెంబర్షిప్ హే వో కరో भारत सरकार ने भी बहुत से जो वादे करे थे वे पूरे नहीं करे। एमएसपी गारंटी कानून पे कमेटी बननी थी वो भी नहीं बनी। बहुत सी पॉलिसी लेकर वो और आ रही है। संगठन कमजोर रहेगा तो बहुत से कानून लेकर आ रहे हैं। बिजली अमेंडमेंट बिल जिसके पास में भी दो पशु होंगे, ज्ञान देने वाले आदमी देख रहे ना, अगर किसी के पास में दो पशु हैं तो उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा बिजली का। अब भाई दो पशु तो है या तो भाई रंड भी भैंस रखो, अगर भैंस भी आएगी तो या तो कटड़ू मरेगा, दो रहेगा या तो कटड़ू लोअर मरेगा, भैंस एक रहेगी और अगर लोअर पड़ना तो कनेक्शन लेना पड़ेगा। तो आगे का गया काम तो कानून इस तरह के है भाई, तीन का रख लेते ना दो का है जी। हमने कहा भाई बातचीत उस पर कर लो, बातचीत उन्होंने करी नहीं। ये अभी डेयरी प्रोडक्ट में लेकर आएंगे, बाहर से दूध के सारे प्रोडक्ट यहां पे आएंगे विदेशों से। उन किसानों का क्या होगा जो भूमिहीन किसान है, जिनके पास में जमीन भी नहीं है, जो महिलाएं दूध बेचकर अपना गुजारा करती थी, उनका क्या होगा? तो ये सब पॉलिसी आ रही है, देश जा रहा है। हमारे मोबाइल में भी अब कार्ड नहीं लेना पड़ता, उनसे कह दे कि मोबाइल चार्ज करते तो पैसे आ जा, हमारे गन्ने का भुगतान भी दिलवाए तो ऐसे ही गन्ने का भुगतान आऊंगा 11 महीने में और हमारे मोबाइल से पैसे कट जा दो तीन सेकंड में ही। डिजिटल का मजा हमें भी तो ले लेने दो, अभी यह 14 दिन वाला नहीं, अब तो साथ के साथ वाला भाई हमें भी डिजिटल से जोड़ दो। 14 दिन वाला हम झंझट पाड़ते ही नहीं, हमने गन्ना गिरा, गन्ने का वेट रेट उसकी क्वालिटी वो तुलिर हमारे अकाउंट में पैसा पहुंचा, जब तक किसान घर पर जाना उसका पैसा सीधा उसके खाते में पहुंच जाए। इन्होंने कहा कि 2,37,000 करोड़ रुपए की एमएसपी पे खरीद होगी फसलों की, पिछले साल से 10,000 करोड़ रुपए की कम होगी खरीद और 1,00,000 करोड़ रुपया सस्ते में फसला खरीदते हैं फसलें व्यापारी और एमएसपी में बेचते हैं, 1,00,000 करोड़ रुपया सीता के खाते में जाता है व्यापारियों के। तो जो गुड्डे थे हम तो सारे कलर वाले कुर्ते पहन लगे, कोको कहां से बताओ इनको, कोको तो इतना रही था कंठिका कुर्ता रहा, यहाँ जेब रही उसकी काक में जेब रही, कोको तो गुड्डू की काक में रह। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।